फाइनली गाइस भी हमारी बस आ गई। बेहतरीन नजारा है यहाँ पे, चारों तरफ धान पके हुए हैं। गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस जस्ट अभी मैं रेडी हो गया हूँ और मैं आज जाने वाला हूँ गाइस वापस डायमगंज, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो ये बाटला है गाइस ये खत्म हो गया था, तो इसी को लेने भराने के लिए फिर वापस जाना पड़ रहा है। तो भी जाएंगे और कुछ दिन रहेंगे वहाँ पे, फिर वापस आ जाएंगे। तो देखो अभी बस यहाँ पर आएगी, 9:45 बस आ जाएगी, तो अभी टाइम भी हो रहा है, 9:40 हो गए हैं, तो जस्ट अभी बस आने वाली है। मैं रेडी हूँ और मेरे नाना जाने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो। तो जस्ट अभी हम लोग जाने वाले हैं, वीडियो में तक आप लोग बने रहो, चलो चलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि बस नहीं आएगी, मैंने बस वालों से बात की है, तो वो आएगा भी 9:45, टाइम है उसका भी 2-3 मिनट बाकी है, तो जस्ट बस आएगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर आप लोग को दाएँ में उसका सीन देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो में तक बने रहो। तो फाइनली गाइस भी हमारी बस आ गई, चलो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइज ये है मेरा बैग और आप लोग देख सकते हो, और आप लोग को दिखाते हैं बाहर का सीन। देखो गाइज जो बस से बाहर का नज़ारा देखने को आप लोग को मिल रहा है ना, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे, चारों तरफ धान पके हुए हैं और सामने ही हाईवे है, नेशनल हाईवे, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा आप लोग को देखने को मिल रहा है। फाइनली गाइज मैं घर वापस आ गया है और मुझे आए घर 4 आवर हो गया, और 4 आवर में अब मैं अभी की वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि घर पे खाना वाना खाना था और काफ़ी सारा काम था, तो काम वाम करने के बाद मैं फ्री हुआ, तो मैंने सोचा क्यों आप लोग को दिखाया जाए। तो फाइनली घर आ गए और अच्छे से आए, और जानते हो बस का सफ़र कैसे रहता है, तो जो कुछ हुआ आप लोग को पता है। तो गाइज अभी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कितने बार बैठे।